बच्चों जल्दी करो, हमें देर हो रही है। बस एक मिनट मम्मी, हम आ रहे हैं। चलो जल्दी से, नहीं तो पंछी बस छूट जाएगी। जंगल में अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया है। गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए रानू अपने बच्चों को लेकर अपने माँ के यहाँ जा रही है। हमें भी नानी के घर जाना है। नहीं बच्चों, इस साल नहीं, अभी थोड़े ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। मुझे और तुम्हारे पापा को बहुत सारे काम है। मुझे अनाज जमा करना है और पापा को हमारा घोंसला बारिश के लिए मजबूत करना है। चाहो तो तुम दोनों काम में हमारी मदद करो। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी जग्गू वहां पर आ जाता है। अरे जग्गू बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या इस साल तुम अपने नानी के यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए नहीं गए? नहीं आंटी, मम्मी और पापा हमारे घोंसले को पक्का करने के काम में लग गए हैं, इसीलिए इस साल हम नानी के यहाँ नहीं जाएंगे। मुझे घर में बैठकर बहुत बोर हो रहा था, तो मैं खेलने के लिए बाहर आ गया। लेकिन बाहर भी कोई खेलने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। क्या मैं सोनू और पिंकी खेलने के लिए बाहर जाए? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन यही पास में ही खेलना। तब तक मैं तुम सबके लिए कुछ चटपटा खाने के लिए बनाती हूँ। तीनों बाहर आ जाते हैं। चलो दोस्तों, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ, चलो चलो। तीनों खेलने लगते हैं। छुपन छुपाई खेलने के बाद सबको भूख लग जाती है। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ना, हम घर चलते हैं। ठीक है पिंकी, चलो। अरे दोस्तों, घर का खाना तो हम कभी भी खा सकते हैं। अभी आम का सीजन चल रहा है, क्यों ना हम मीठे मीठे आम खाने के लिए चले? लेकिन हमारे जंगल में तो एक भी मीठे आम का पेड़ नहीं है, वो सारे खट्टे आम के पेड़ हैं। इसीलिए तो हम हमारे जंगल के बाहर वाले इलाकों में जाएंगे। वहां पर हमें बहुत सारे मीठे आम के पेड़ मिलेंगे। चलो हम चलते हैं। नहीं रे बाबा, हमें जंगल के बाहर नहीं जाना चाहिए। माँ ने हमें यही घर के पास में खेलने को कहा था। अरे कुछ नहीं होता डरपोक, हम थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। और वैसे भी हम कभी ना कभी तो बड़े हो जाएंगे, और तब हमें सब कुछ अपने आप ही करना होगा। क्यों ना हम अभी से डर का सामना करें? अगर ऐसी बात है तो चलो हम जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे। लेकिन साथ साथ रहना, इधर उधर उड़कर अकेले मत जाना। तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। इधर लाड़ो किचन में बिजी हो गई, उसने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बल्लू भी घोंसला पक्का करने का सामान लाने के लिए बाहर गया था। जब तीनों जंगल से बाहर जा रहे थे, तब मीनू मौसी और टूनी चिड़िया ने उन्हें देख लिया। अरे मीनू मौसी, वो देखिए, सोनू पिंकी और जग्गू जंगल से बाहर जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। अरे जाने दे टूनी, हमें क्या करना है? क्या उनके माँ बाप को उनकी चिंता नहीं है? हमें क्या बस यही काम है, जब कुछ अनहोनी हो जाएगी तब उन्हें पता चल जाएगा। तू उधर ध्यान मत दे, बस पंखा चला। इधर तीनों जंगल के बाहर आ जाते हैं और मीठे आमों के पेड़ों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें आसपास कहीं पर भी आम के पेड़ नहीं मिलते। चलो दोस्तों, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तीनों और आगे निकल पड़ते हैं। मीठे आमों के चक्कर में वो अपने जंगल से बहुत दूर आ गए थे। थोड़ा और आगे आने पर उन्हें नदी के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ दिख जाता है। वो उसके पास आ जाते हैं। तीनों एक-एक आम तोड़ लेते हैं और मजे से खाने लगते हैं।
आम बहुत मीठे थे। देखा दोस्तों, हमारी मेहनत का फल। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये आम कितने मीठे हैं। हाँ जग्गू, लेकिन अब हमें घर जाना चाहिए। थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी और उसके बाद अंधेरा। अरे बाप रे, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे बच्चों को घर के अंदर बुलाना होगा। लाड़ो घर के बाहर आ जाती है, तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। वो घर के आसपास बच्चों को ढूंढने लगती है। उसे बच्चे दिखाई नहीं देते। अरे ये बच्चे कहाँ पड़ गए? मैंने तो उन्हें घर के आसपास ही खेलने को कहा था। लाड़ो के घर के पास में ही बुलबुल चिड़िया का घोंसला था। लाड़ो उसके पास आ जाती है। अरे लाड़ो, तुम यहाँ? कहो, कैसे आना हुआ? बुलबुल बहन, क्या तुमने सोनू, जग्गू और पिंकी को कहीं पर देखा है? वो मेरे घर के पास में ही खेल रहे थे। नहीं लाड़ो, मैं तो अभी अभी घर आई हूँ। मैं अनाज लाने के लिए बाहर गई थी। अचानक बारिश शुरू होने की वजह से मुझे घर आना पड़ा। बारिश और तेज हो जाती है। इधर बच्चे बारिश में फंस जाते हैं। अरे बाप रे, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? अब हम घर कैसे जाएंगे? अरे चिंता मत करो, बारिश कम होते ही हम घर चले जाएंगे। लाड़ो बारिश में भीगती हुई कालू और गोरी के घर आ जाती है। क्यों लाड़ो, तुम यहाँ पर कैसे? लाड़ो सारी बात गोरी और कालू को बताती है। मुझे लगा बच्चे तुम्हारे घर आ गए होंगे। जग्गू, मेरे बेटे। तीनों वहाँ से निकलकर बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बच्चे बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। वो उनको पकड़ने ही वाला था कि तभी तीनों वहाँ से भाग निकल पड़ते हैं। तेज बारिश की वजह से वो उड़ नहीं पाते और नदी में गिर जाते हैं। नदी में गिरते ही जग्गू को एक बड़े पेड़ की डाली मिल जाती है। वो उस पर जैसे तैसे कर चढ़ जाता है। अरे जग्गू, हमारी भी मदद करो, हमें भी ऊपर ले लो। भैया, मुझे बचाओ। जग्गू उनकी मदद नहीं करता। नदी आगे जाकर दो भागों में बट रही थी। जग्गू जिस डाली पर बैठा था वो डाली उसके जंगल के तरफ चली गई और सोनू पिंकी दूसरी दिशा में बह गए। कालू, गोरी और लाडो मीनू मौसी के पास आ गए। मीनू मौसी, क्या हमारे बच्चे आपके पास आए थे? नहीं नहीं, वो यहाँ क्यों आएंगे? मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गए हैं। अरे मीनू मौसी, क्या आप भूल गए? हमने सुबह उन तीनों को जंगल के बाहर जाते हुए देखा था। अरे बाप रे, अब क्या होगा? कहीं उन्हें किसी शिकारी पंछी ने खा तो नहीं लिया? ऐसा मत कहो गोरी, हमारे बच्चे हमें मिल जाएंगे। तुम्हारे बच्चों ने ही मेरे बेटे को बहला फुसला कर बाहर लेकर गए हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस नदी में जग्गू बहकर आ रहा था वो नदी मीनू मौसी के घर के पास से गुजरती थी। सारे घोंसले के बाहर आ जाते हैं। तभी टूनी को जग्गू दिखाई देता है। अरे वो देखो, जग्गू। सारे उसके पास आ जाते हैं। मेरे बेटे, तू ठीक तो है ना? तू कहाँ चला गया था? जग्गू बेटा, सोनू और पिंकी कहाँ पर है? जग्गू सारी बात उन सबको बताने लगता है। मम्मी, वो दोनों मुझे जबरदस्ती जंगल के बाहर लेकर गए थे। हम जब वापस आ रहे थे तब तेज बारिश की वजह से हम नदी में गिर गए। मैं जैसे तैसे करके इस डाली पर बैठ कर आ गया, लेकिन वो दोनों दूसरे दिशा में बह गए। मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की। जग्गू के ऐसा कहते ही लाड़ो रोने लगी। सोनू, पिंकी, चलो जग्गू, हम घर चलते हैं। अरे गोरी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो?
हमें सोनू और पिंकी को भी तो ढूंढना होगा। मैं क्यों ढूंढूं? मुझे तो मेरा जग्गू मिल गया। मैं तो जा रही हूँ, अगर आपको ढूंढना है तो ढूंढ लो। इतना बोलकर गोरी जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। बारिश भी थोड़ी कम हो गई थी। इधर बच्चे पानी में बहते हुए अपने जंगल से बहुत दूर आ गए। वो जिस जंगल में आ गए थे उसी जंगल में रानो चिड़िया के माँ का घोंसला था। रानो के बच्चे बारिश के पानी में खेल रहे थे कि तभी उनकी नजर सोनू और पिंकी पर पड़ जाती है। अरे भैया वो देखो, सोनू और पिंकी। रानो के बच्चे उन दोनों को पानी के बाहर निकाल लेते हैं। रानो भी वहाँ पर आ जाती है। अरे बच्चों, ये सब कैसे हो गया? सोनू और पिंकी रानो को सारी बात बताते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लाडो तुम दोनों को ढूंढ रही होगी। चलो मैं तुम्हें हमारे जंगल लेकर चलती हूँ। रानो उन दोनों को लेकर निकल पड़ती है। इधर लाडो और कालू बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। थोड़ी देर बाद सारे एक जगह पर आ जाते हैं। लाडो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जब कालू को सच्चाई का पता चलता है तब वो जग्गू को उन दोनों से माफी मांगने को कहता है। जग्गू उन दोनों से माफी मांगता है और बच्चे सबसे ये कहते हैं वो अपने मम्मी पापा को बिना बताए घर से कभी दूर नहीं जाएंगे।